देवभूमि उत्तराखंड। कहते हैं यहां देव वास करते हैं। भारत का वो अंग जो खूबसूरती से जुड़ा हुआ है, खूबसूरती से घिरा हुआ है। पहाड़ों की वो शीतल हवा एक स्मरणीय यादगार बनाती है। और ये घटाएं, ये हवाएं बार बार बुलाती हैं उत्तराखंड की वादियों में। दिल्ली से तकरीबन 270 किलोमीटर पर स्थित है मरचुला। जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का एक अंग है। छोटा सा पर्यटक स्थल राम गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो कि भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्य केंद्र भी है। समुद्र तल से करीब 1700 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों से घिरे मरचुला में पर्यटक अक्सर इसकी खूबसूरती से रूबरू होने आया करते हैं। मरचुला व्हाइट वाटर राफ्टिंग, वॉकथॉन, हिमालय पर्वत में ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और जंगली जानवरों के बीच जीप सफारी पर सवारी का आनंद लेने के लिए जाना जाता है। मरचुला की इसी खूबसूरती को पर्यटक और करीब से देखना चाहते हैं, आकर्षित होते हैं, और इसी कारण इस वर्ष मरचुला महोत्सव का आयोजन किया गया। इसको लेकर यहां के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। तरह तरह की खेल गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने यहां के लोगों का बहुत मनोरंजन किया। हमारे यहाँ पे एक लोकल पहाड़ी उत्पाद है जो समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें चाहे धनिया है, मिर्च है, हल्दी है, या आपके काली दाल का बड़ी है, आपका मडवे का आटा है हमारे पास। और यहाँ पे सर देखिए, एक हमारा हेल्थ बेनिफिट है, यहाँ पर रोजमेरी है और आपका कैमोमाइल टी है हमारे पास, जो आपका सर डायबिटीज़ है, आपका क्या कहते हैं ये नींद ना आना या अलग अलग बीमारी के लिए हमारे यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट जो है, हमारे पहाड़ों का ही प्रोडक्ट जो है वो हम
सेल करते हैं। ओके, और ये क्या है यहाँ सर? ये लेमन ग्रास है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा स्माइल अरोमा के लिए बहुत अच्छा यूज किया जाता है। और हाँ, इसको आप टी के लिए भी यूज कर सकते हैं, आपको लेमन राइस बना सकते हैं इससे, और अलग अलग इसका ऑयल निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट्स निकाल सकते हैं। जिस सर ये ऑर्गेनो है जो हम लोग पिज्ज़ा में खाते हैं, आजकल फेमस है, हर कोई जानता है ऑर्गेनो क्या चीज़ है। ये टेस्ट है आपका, एक मसाला है, स्पाइसेज है, जो आप पिज्जा वगैरह में भी, हमारे बच्चे लोग का भी पसंद करते हैं आप। ये लेंटना कैमरा है, पहाड़ में जो कोरी होती है, कोरी से ये बनाया जाता है। एक्चुअली जो कोरी होती है वो जंगल को, मतलब जहाँ पे भी होती है वहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं होता था, तो जंगल के लिए भी नुकसानदायक। तो एक रिसर्च में हमने ये पाया कि इससे हम ये बना सकते हैं। तो पहाड़ के लोगों के लिए एक मेरा मैसेज है, अगर आसपास कोरी है तो कोरी से ये बास्केट, डस्टबिन, कुछ भी बनाया जा सकता है, और ये इसमें कोई खर्च भी नहीं आता है, और इसको बेच भी सकते हैं। और इसका मेन यही है कि जंगल को बचाना है, तो उसके लिए भी यूज हो रहा है और रिड्यूज हो रहा है, मतलब इसका रिसाइकल, मतलब इसका कोरी भी ख़त्म हो रहा है जंगल से, और इसका यूज भी किया जा रहा है लेंटेना की तरह। इस महोत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ अल्मोड़ा जिले के जिला अधिकारी श्री नितिन सिंह भदौरिया ने की। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्ते, दीप ज्योति परम परमा, दीपोर ज्योति जनार्दना, दीपो हरति मे पापम, दीपो देवो नमस्ते। हमारी जो लोक संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है, उसी परंपरा को यहाँ पर निर्वहन करते हुए चारों तरफ हिमालय की उपत्यकाओं में। इस मौके पर जिले के उप जिला अधिकारी समेत जिला प्रशासन के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। प्रतीक हमारे यहाँ पर मान्य जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा श्री नितिन भदौरिया जी, श्री राव साहब जी, श्री वै प्रताप सिंह जी, श्री हिमांशु नौगाई जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति, आप सभी लोगों का यहाँ मरचुला महोत्सव में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्ते, दीपोर ज्योति परमरमा, दीपोर ज्योति जनार्दना, दीपो हृदय में पापम, दीपो देवो नमस्ते। जी हाँ, हमारे जो यहाँ पर कार्यक्रम के सचिव श्री राहुल साहब जी, जिलाधिकारी महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए, उनका स्वागत करते हुए। तीन दिन के मरचुला महोत्सव में कई प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स अर्थात साहसिक खेल भरे पड़े रहे, जैसे पैरासेलिंग, ऑल टैवन बाइक, फ्लाइंग फॉक्स, हॉट एयर बलूनिंग और कायाकिंग जैसे स्पोर्ट्स सबका मनोरंजन करते रहे। आज पहले दिन एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत, फ्लाइंग फॉक्स, यहां के लोग बहुत उत्साहित थे। एक अलग तरह का इवेंट है ये, जहां पर लोग कोशिश करते हैं, ऊपर से छलांग लगाते हैं, जहां पे जिप लाइन के सहारे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल फ्लाइंग फॉक्स आप देख सकते हैं, यहां पे ऊपर से हम छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, जिप लाइन से जुड़ी होती है, दोनों पॉइंट्स को जिप लाइन से जोड़ते हैं और फिर एक फोर्स के सहारे धक्का देते हैं, और फिर इंटरेस्टिंग होता है, जल्दी से जल्दी आप अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, जैसे इशारे हुए हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है, और अब ये धक्का दे दिया गया उन्हें, और ऊपर से नीचे आते हुए जिप लाइन के सहारे, ये फ्लाइंग फॉक्स का खेल, जिसे जिप लाइन इसलिए कहते हैं, एक जिप से आते हैं हम, और अक्सर हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल खराब परिस्थितियों में हमारी आर्मी करती है, जब लोगों को बचाना होता है। और हमने ये भी देखा कि खासतौर से बेली में, पहाड़ों में इसका आयोजन किया जाता है, जहां बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं यहां पे चढ़ के। एक और फ्लाइंग फॉक्स का नजारा, जिप के सहारे अपने गंतव्य पे पहुंचने की कोशिश।
इसमें सिर्फ हौसले की जरूरत है, और जैसा कोच हमें बता रहे थे कि इंसान के अंदर के डर को खत्म करता है। काफी अच्छा था, पहले रैपलिंग क्लाइंबिंग तो हमने किया था ट्रेनिंग में, बट फर्स्ट टाइम ये फ्लाइंग फॉक्स किया, काफ़ी थ्रिलिंग था, बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही एक्साइटिंग ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। ऊपर से कूदते हुए बहुत एक्साइटेड था मैं, अभी नीचे को आते समय बहुत ही थ्रिल वाला है ये, कोई डर नहीं लग रहा था हमें इस इवेंट को करने में, हमें इस एक्टिविटी में कोई वो डर नहीं लगा, हम तो करते रहते हैं इस एक्टिविटी को। सारी एक्टिविटी हमने लगाई है यहाँ पे, तो हमें काफ़ी मेहनत लगी, सुबह बहुत सारी हवाएं चल रही थी, ठंडा भी हो रहा था, और हमने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन आ रहे हैं, अभी भी अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है। ये उत्साह से भरा हुआ एडवेंचरस, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है, जुनून से भरा हुआ है और काफ़ी मनमोहक दृश्य है। करने के लिए बहुत कुछ है, लोग जो नए नए टूरिस्ट आए हैं, लोग जो घूमने आए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है जो कि आके एडवेंचर को जान सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, मरचूला महोत्सव का मज़ा ले सकते हैं। सर, इस इवेंट के लिए काफ़ी कुछ पीछे से बिहाइंड द कर्टन काफ़ी कुछ चला है, काफ़ी टाइम से तैयारियां चली हैं, कई बार इसकी रैकियां हुई हैं कि किस जगह पर किस एक्टिविटी को करना है, वो एक बहुत छोटी चीज़ थी, मतलब बहुत बड़ी टीम और बहुत बड़ा एक एफर्ट उसको हम लोग कह सकते हैं पूरी टीम का। मरचूला महोत्सव सिर्फ एक कल्चर प्रोग्राम नहीं है, इसमें एडवेंचर को लेके बहुत कुछ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इतने संग एक संग की जा रही हैं। मैं तो हर किसी से यही कहूँगा, एक बार आके साल में कुछ दिन आके निकालिए और रह के देखिए इन वादियों में, आप यकीन मानिए पूरे साल की जो थकान है वो एक तीन दिन, दस दिन, पांच दिन, जब भी आप आएंगे वो खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर हॉट एयर बलून की सवारी के लिए लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला। पहाड़ों पर हॉट एयर बलून की सवारी करना अपने आप में ही बहुत सुखद लगता है। तरह से जनरेट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, आग लगा के CO2 जनरेट करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप तैयारियां किस तरीके से हो रही हैं हॉट एयर बलून के लिए, और ऊपर जो वो गन दिखाई दे रहा है जहां से हम अभी उसको देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, अब भी उसमें आग लगा दी गई है और यहीं से हॉट एयर भरी जाती है इसके अंदर। यूं तो ये गर्म हवा होती है, CO2 जनरेट किया जाता है, और ये CO2 जो इसके अंदर भरा जाता है यही इसके राइट के लिए कारागर होता है, तो इसलिए इसका नाम हॉट एयर है, क्योंकि गर्म हवा इस बलून के अंदर भरी जाती है। फिलहाल ये बलून अब तैयार हो रहा है, सुरक्षाकर्मी और इस मरचूला महोत्सव के जितने सहकर्मी हैं सब लोग तैयार हो रहे हैं, सब लोगों ने सुबह से बहुत मेहनत की है इसे। सुबह आज ये तैयार इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि अच्छी खासी हवा चल रही थी इन उत्तराखंड के वादियों में, तो ये भी बहुत मुश्किल काम है एक बलून को तैयार करना, क्योंकि अगर हवाएं चलेंगी तो ये बलून नहीं तैयार हो पाएगा। हॉट एयर बलून आप तभी रेडी कर सकते हैं जब हवा शांत हो, तो इन पहाड़ के वादियों में शांत हवा बहुत मुश्किल है। फिलहाल सब कुछ तैयार हो चुका है और इसके अंदर हवा फिलहाल भरी जा चुकी है, और अब सिर्फ इंतजार है उस राइड का। इसको जब भी हम हवा भरते हैं इसमें तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और अब बिल्कुल राइड के लिए तैयार होता हुआ है बलून, हल्का सा लिफ्ट करते हुए सहकर्मी और उसके अंदर लोग तैयार हैं इसका लुफ्त उठाने के लिए। सुरक्षा की तमाम कड़ियों को इस वक्त निभाते हुए सुरक्षाकर्मी हर तरीके से वो अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। उत्तराखंड की ये वादियां आप देख सकते हैं, पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका, और हॉट एयर बलून अब अपने राइड के लिए तैयार होता। मरचूला महोत्सव का ये एक और इवेंट जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, हॉट एयर बलून, जहां लगातार गर्म हवाएं भरी जा रही हैं इस बलून के अंदर, और अब ये बलून तैयार होता हुआ अपने पहली राइड के लिए, और ये रहा पहला राइड। जी हाँ, पहला राइड, हवा में उड़ता हुआ है बलून, रंग बिरंगे नजारे आप देख सकते हैं, कई रस्सियों से बंधा हुआ है ये, जो इसको कंट्रोल करता है, इसकी
हाइट को कंट्रोल करता है कि किस ऊंचाई तक आपको इसे लेके जाना है, और अपने पहले राइड पे ये बलून मरचुला की वादियों के ऊपर, खूबसूरत नजारा, पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर, अक्सर पर्यटक आया करते हैं यहाँ पे, और पर्यटन का बहुत अच्छा कह सकते हैं एक स्थान है जहां आप आकर के एंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। लगातार हवाएं बीच बीच में भरी जा रही हैं, और जैसे जैसे हवाएं भरी जाती हैं ये बलून और ऊंचाई की तरफ उड़ता चला जाता है, और ये रस्सियां जो आप देख रहे हैं उस हॉट एयर बलून के साथ जुड़ी हुई हैं, वो उसकी ऊंचाई को कंट्रोल करती है। तकरीबन 100 मीटर ऊंचा है इस वक्त जो बलून आपको दिखाई दे रहा है, और आप देख रहे हैं मोबाइल से सेल्फी भी लेते हुए वहां पर कुछ लोग जो इसको इस वक्त इस राइड का आनंद उठा रहे हैं। हवा बिल्कुल शांत, और जब भी शांत हवा होती है तभी हम इस तरह से हॉट एयर बलून का आनंद उठाते हैं। आमतौर पे जब बहुत तेज हवाएं अगर चलेंगी तो थोड़ी मुश्किलात होती है इसे उड़ाने में भी और इसको स्थिर रखने में भी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ये इवेंट होता हुआ मरचुला महोत्सव, जो कि मरचुला एक छोटा सा शहर है यहां पर। और अब धीरे धीरे बलून नीचे की ओर आता हुआ, इसे अचानक से नीचे नहीं लेके आया जा सकता, आहिस्ता आहिस्ता ये बलून नीचे की ओर आता है, और इसकी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी बीच बीच में गर्म हवाएं छोड़ी जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता भी नीचे की ओर आता हुआ, खूबसूरत नीला आसमान और उसके नीचे ये शानदार हॉट एयर बलून की सैर करना अपने आप में एक बेहद सुखद आनंद मिलता है जब आप इसके ऊपर बैठते हैं, और जब आप इसके सहारे उत्तराखंड की वादियों का दीदार करते हैं, खुशी जाहिर करते हुए पर्यटक जो लोग इस महोत्सव में आए हैं, मरचुला महोत्सव। और ये अब इनका समय समाप्त हुआ। देखने के बाद अब ये ग्राउंड को छोड़ता हुआ ऊपर हवा में अपने राइड के लिए तैयार हो गया है, और अब गर्म हवाएं बीच बीच में भरी जा रही हैं, इसीलिए इस एडवेंचर स्पोर्ट्स का नाम है हॉट एयर बलून, जो कि मरचुला उत्सव, ये पहला मरचुला उत्सव मनाया जा रहा है अल्मोड़ा के मरचुला में। बहुत ज़्यादा इवेंट प्रेशर था सुबह, तो अभी जाके अभी सर साढ़े तीन बज रहा है, एंड अभी जाके ये इवेंट प्रेशर हल्का हुआ है, और हॉट एयर अभी फ्लाई कर रहा है बहुत बढ़िया, एंड टूरिस्ट भी आ रहा है काफ़ी, बहुत टूरिज्म है सर इधर। जैसा हम देख रहे हैं काफ़ी अट्रैक्शन आ रहा है यहाँ पे इसको देख के, क्योंकि ये दूर से दिखाई देता है तो इसे काफ़ी एक अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। तो इसके साथ साथ हमारे अदर स्पोर्ट्स जो भी हैं, ATV बाइकिंग, पैरा सेलिंग एंड कायाकिंग एंड जिप लाइनिंग, तो वो भी इसके साथ साथ हम काफ़ी इसमें अट्रैक्शन आ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये एक्चुअली अभी हम लोग इसे 250 फीट के अराउंड रखा हुआ है, और ऊपर अभी मैं गया था तो विंड प्रेशर, हम लोगों ने पहली टेस्ट राइड करी थी तो उसमें अभी विंड प्रेशर अभी ऊपर तेज है, तो अभी हम लोग पूरा इसे प्रॉपर हाइट नहीं दे पा रहे, तो अभी थोड़ी देर में इवनिंग के टाइम विंड प्रेशर पूरा नॉर्मल हो जाएगा, तो अराउंड 250 पूरी हाइट जाएगी सर इसकी। एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, इनिशियली मेरे को बहुत नर्वसनेस हो रही थी, बट जब मैं ऊपर गई इट वाज अबाउट 70-80 मीटर आई थिंक, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली मुझे एडवेंचरस चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो दैट वॉज
वन ऑफ माई गुड एक्सपीरियंस, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। कई लोग तो मतलब ये बिलीव करते हैं कि जैसे हॉट एयर बलून में लाइक कई लोग राइड इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि क्रैश हो जाएगा, तो मतलब मेरे अंदर ऐसी फीलिंग नहीं थी, मेरे को बस गॉड पे बिलीव था एंड मैं चली गई बस, हवा हवा से तो नहीं डरता। दिन भर के खेल गतिविधियों के बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स कायाकिंग का दीदार करने, जहां पानी को पार करने के लिए कायाक का प्रयोग किया जाता है। इसमें पैडलर आगे की तरफ होता है, इसी वजह से ये कैनोइंग से अलग होता है। और ये मरचुला उत्सव जो मनाया जा रहा है, पहली दफा ये उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये अलग अलग इवेंट्स किए जा रहे हैं, जिसमें एक ये कैकिंग है जहां पर अलग अलग प्रतिभागी आए हुए थे इस इवेंट्स के लिए। हालांकि इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही मनमोहक दृश्य। और उत्तराखंड की पहाड़ियों में जब आप झीलों में इस तरीके के लम्हे में, और ये जाड़े के मौसम में और देखा जा सकता है क्योंकि पानी कम होता है और लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो भी इंजॉय करते हैं। और इस मरचुला महोत्सव में जहां पर इतने सारे लोग आए हैं, हालांकि अभी और लोगों का आना बाकी है, और ये उत्सव का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य, झरनों की आवाज़ आपके तहत पहुँच रही होगी। और इतना आसान होता नहीं है जब झरने डाउन द हिल बहते हैं, क्योंकि करंट इस तरह का होता है आपको अपनी दिशा में ले जाने की कोशिश करता है, और उस वक्त आप ये जो हथियार देख रहे हैं इसी के सहारे अपनी नैया को लोग पार घाट लगाते हैं। साहसिक खेल ने बॉलीवुड के उभरते नायक अभिजीत श्रीवास्तव को भी अपनी तरफ आकर्षित किया। राम गंगा नदी में पहाड़ों के दरमियान इस खेल ने सबका खूब मनोरंजन किया। मैं सच में इतना दिल से खुश हूँ और यहाँ आने का मौका मिला, इतनी सुंदर और खूबसूरत चीज़ें देखने का मौका मिला। एंड अभी हम एडवेंचर जो भी यहाँ पे चीज़ें इन्होंने ऑर्गेनाइज करी वो सब एक्सप्लोर कर रहे थे, तो आई थिंक ये एक सच में ऐसी जगह है जो उत्तराखंड में जिसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए और ज़्यादा लोगों को आना चाहिए और जानना चाहिए कि इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे उत्तराखंड से ऑलरेडी बहुत सारा टैलेंट हमारे ऑलरेडी मुंबई में जो धूम मचा रहे हैं, बॉलीवुड से लेके जो भी जितना भी म्यूज़िक में और बाकी सारी फील्ड्स में भी, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी यूथ हैं और जो भी अपकमिंग टैलेंट्स हैं किसी भी फील्ड के हों वो,
वो जो भी मेहनत कर रहे हैं प्लीज़ करते रहें, और आई थिंक यहाँ का जो भी एक यहाँ की मिट्टी की और यहाँ की जो बात है ना, वो वही उनको सबसे आगे वहाँ के लेके जाएगी। और मुंबई जाके भी, यहाँ किसी भी फील्ड में जाके भी, अगर यहाँ से आप जुड़े हुए हैं ना और यहाँ की जब तक आपकी खुशबू आपके साथ है ना, तब तक वो बात आपको वहाँ पर भी अलग बना के रखेगी। मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ से आए हो वो चीज़ कभी भूलनी नहीं चाहिए, और जब तक वो चीज़ आपके साथ जुड़ी है ना, तब तक आप सबसे अलग दिखाई दोगे भीड़ में। मरचुला महोत्सव 2019 का आयोजन किया जा रहा है और अपनी तरह का ये पहला आयोजन इस क्षेत्र में है, जो कि यहाँ की पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि ये जो मरचुला वाला हमारा क्षेत्र है, ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उससे लगा हुआ क्षेत्र हमारा है, और इस समय हम रामगंगा नदी के किनारे बैठे हैं, जो कि गढ़वाल से ये नदी निकलती है और यहाँ से बह के कालागढ़ में ये नदी पहुँचती है, जिसमें कि कालागढ़ डैम है, और ये पूरी की पूरी नदी जो है ये एडवेंचर के लिए एक पायनियर हो सकती है, और उसी संभावनाओं को तलाशने के लिए यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ का आयोजन किया गया इस फेस्टिवल के दौरान, जिसमें हॉट एयर बैलूनिंग, वाइट वाटर कयाकिंग, वाटर जॉर्बिंग, वाटर रोलर और रैपलिंग, जिप लाइन, जुमारिंग, वाटर रैपलिंग, ये सारी एक्टिविटीज़, और संभवतः ये पहली बार ये एक्टिविटी इस क्षेत्र में आयोजित की जा रही हैं, और इन एक्टिविटी के संचालन से यहाँ पे पर्यटक, वैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास यहाँ पे करने के लिए सफारी के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर एक बार ये गतिविधियाँ यहाँ पे व्यावसायिक रूप ले लेती हैं तो पर्यटकों को यहाँ पे और ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने के लिए मिलेंगी, और पर्यटक ज़्यादा समय अपना यहाँ पे व्यतीत कर पाएंगे और ज़्यादा दिन तक स्टे करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो क्षेत्र हमारा ये मरचुला क्षेत्र है, अभी काफ़ी दूर ये क्षेत्र है, ये मरचुला क्षेत्र की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आएंगे यहाँ की आर्थिकी उतनी ज़्यादा ही मजबूत होगी। और जो ये नदी आप देख रहे हैं, ये नदी आगे मैंने पहले ही बताया कि कालागढ़ डैम में मिलती है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बियर गिल के संग अभी कुछ समय पूर्व एक कार्यक्रम किया था, तो वो पूरा का पूरा कार्यक्रम इसी नदी पे फिल्माया गया था, उससे भी इस क्षेत्र को काफ़ी एक प्रसिद्धि मिली है और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर उभर के आया है। यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज होगा कि हम पहाड़ के लोग हैं, तो जो पहाड़ की जवानी है वो पहाड़ में ही रुकनी चाहिए, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग पढ़िए मत या वो मत करिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक हमारे अंदर साहस की भावना का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चारित्रिक विकास, मानसिक विकास विद्यालय कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो साहसिक भावना का विकास है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स ही कर पाएगा, और आज के समय में एडवेंचर स्पोर्ट्स एक बेहतर करियर ऑप्शन भी है। दिन भर की खेल गतिविधियों के बाद रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहां के जिला अधिकारी व उप जिला अधिकारी के उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने अपने हुनर से लोगों का मन जीत लिया। रक्षा कनवारी उबी दुबी गणवारी रिद्धि सिद्धि कनवारी प्रथमे शैलपुत्री दूजे ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटा चतुर्थे कुसुमांजिका पंचमे अस्कंद माता सप्तमे कात्यायनी कामरात्रि नव दुर्गा भवानी नारायणी नमस्तुते साधिको गोखत्ती जयसुरी भवानी रीति कुर्मे रीति सुरी परम कुर्मे परवाणी विष्णु कुर्मे ओ नारायणी आकाशे कावनी माता ने पावनी देवगढ़ में तोतरा भवानी कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुने।
कोई अनुभव है,
ऐसी कोई बात नहीं है, हर जन साधारण के पास वही शक्ति है, वही अनुभव है और इसको शुरू करने के पीछे मेरा उद्देश्य भी यही था। तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जब हमने विचार किया होता है कि उस समय पे हमने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो बड़ी सरलता से सारे काम हो जाते, तो वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाने का ये समय है, आराम से घूम सकते हैं। ब्यूटीफुल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस पानी मत डालो ज्यादा हो गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेरी गुड मत डालो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ रहा है, यादव का अनुभव है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। याद रहे इस पे कोई भी चल सकता है, अभी आपने देखा कि कितने सारे लोग इस पे ट्रैवल कर रहे थे बड़े आसानी से। आइए जानते हैं उसके कारण, उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की योजना। सबसे पहले चाहेंगे आप दोनों अपना परिचय दें हमें। जी, मैं देवेंद्र शर्मा और मेडिटेटिव सोल एंड बियॉन्ड की हमारी संस्था है जिसके माध्यम से हम इस फायर वॉक को करते हैं और काफी समय से हम इसको कर रहे हैं, बड़ा आनंदमय अनुभव है। मैं और अजीत जी मिलके इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। अजीत जी, आप जरा बताएं इसके बारे में, इससे क्या फायदा होता है? अगर फायदे की बात करें, फायदे बेसिकली इट इज टू ओवरकम योर फियर। हम इंसान सोचते हैं कि हम लाइफ में कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं जी। अगर आप जिस चीज को ठान लो कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो, वही चीज़ें फायर वॉक है। अगर आप मन बना लो कि मैं इसके ऊपर चल सकता हूँ तो आप चल सकते हैं जी। एक डर है अपने अंदर का जो आपने निकालना है, वही हम, ये जो हमारा प्रोग्राम है फायर वॉक, ये यही हमारा लक्ष्य है कि हम लोगों के बोले कि आपकी जो इच्छा शक्ति है आप उसको पूरा कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हम इस तरह के उदाहरण देखते हैं तो लोग कहते हैं ये तो अंधविश्वास है, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, या कोई इस पे चल के दिखाता है कहता है मेरे अंदर दैविक शक्ति है इसलिए मैं चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो हमने देखा कोई भी चल सकता है। आखिर क्यों? कोई भी चल सकता है। इसको शुरुआत करने के पीछे 2012 में मेरा यही कारण था कि मन में ये विचार आया कि बहुत सारे लोग ऐसे वायदे करते हैं, ऐसे भरोसे दिलाते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है जो वही कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि उस इंसान, क्योंकि वो एक इंसान है, तो जो उस इंसान के पास है वो सभी इंसानों के पास है, तो जो वो कर सकता है वो कोई भी कर सकता है। तो ऐसी चीजों से लोग कभी भी बेवकूफ ना बने, और बड़ी सरल अनुभव है और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और सबके पीछे विज्ञान है। जैसे एक मोमबत्ती की लौ जलाई जाए और उसकी उंगली पे, उसके ऊपर, लौ के ऊपर बार बार ऐसे उंगली को आप घुमाएं तो कभी आपकी उंगली नहीं जलती है, उस पर ऐसे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो उंगली हाथ जल जाएगा। तो वही वो बात है कि टोटल विज्ञान है कि हमारी स्किन को जलने के लिए जितना समय लगता है उतना समय हम यहाँ रुकते ही नहीं है, हम निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के ऊपर बात हो रही थी, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहता हूं कि जब हम लोगों ही कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे पास दैविक शक्ति है, हम ये कर सकते हैं, हम कहते हैं हाँ वो सबके पास है, लेकिन हम अपने अंदर की दैविक शक्ति को जान नहीं पाए। आप जानिए, ऐसे कुछ नहीं है कि जो हवा आप ले रहे हैं वो हवा वो ले रहा है जी, जी। तो आप इन चीजों में विश्वास मत कीजिए, घोंसलों में ना जाएं कभी जी। ये किसी भी प्रकार का खेल नहीं है, एडवेंचर स्पोर्ट को अगर हम कहेंगे तो, जिसमें हम ज़्यादा जिगर दिखा पाएँ, अपनी शारीरिक क्षमताएं दिखा पाएँ, इसमें उसका कोई काम नहीं है। शारीरिक क्षमता का कोई लेना देना ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। कोई भी आम आदमी इसको कर सकता है। प्रार्थना यही है कि जो जानकार के सुपरविजन में करें, कभी भी अपने आप से प्रयास। प्रसार भारती की तरफ से जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी को सम्मानित भी किया गया। जोरदार तालियां, ये एक छोटी सी सौगात प्रसार भारती की तरफ से अल्मोड़ा जिलाधिकारी महोदय को।
अभय प्रताप सिंह जी भी हमारे बीच हैं, उनको भी ये सौगात भेंट की जा रही है। जोरदार तालियां शाह जी को ये छोटी सी भेंट के इस आयोजन के लिए आए हमारे अतिथि को। इसी जिले के जिलाधिकारी हमारे साथ श्री नितिन सिंह भदौरिया जी हैं। अल्मोड़ा जो हमारा जनपद है, अल्मोड़ा जनपद काफ़ी ऐतिहासिक जनपद रहा है। पूरे कुमाऊं की कमिश्नरी यहाँ पे बेस्ड रही है और जितना हमारे तिब्बत का वो ट्रेड होता था वो ट्रेड रूट में भी आता था। और अब हम लोग देख रहे हैं अल्मोड़ा के जनपद में, जैसे हमारे होली या हम दशहरे की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी उल्लास और काफ़ी अगर मैं कहूँ कि अल्मोड़ा का दशहरा कुल्लू और ये हमारे मैसूर के दशहरे के बाद देश का सबसे बड़ा दशहरा है। यहाँ की होली, यहाँ बैठकी होली होती है, यहाँ पे फूलों की होली खेली जाती है। बैठकी होली रागों पे बेस्ड होती है, तो यहाँ पे एक हर फेस्टिवल को एक उत्साह के तौर पे मनाया जाता है। तो हम लोगों की लास्ट ईयर हम लोगों ने एक छोटी सी पहल शुरुआत की थी, हम लोगों ने अल्मोड़ा महोत्सव का आयोजन किया था। और इस साल हमारी टीम, हमें बहुत अच्छे SDMs मिले हैं यहाँ पे, और राहुल ने यहाँ पे इनिशिएटिव माचुला फेस्टिवल के रूप में किया है। इसके अलावा रानीखेत जो इस साल हमारी जो नगरी है, जो कैंटोनमेंट टाउन है और विश्व फेमस भी है आई थिंक फॉर इट्स एप्पल गार्डन्स एंड फॉर इट्स कुमाऊँ रेजिमेंटल सेंटर, वहाँ पे भी हम लोगों ने इस बार 150 टाउन ने 150 साल पूर्ण किए हैं। तो रानीखेत 150 फेस्टिवल हम लोगों ने आयोजित किया है और कोशिश ये की जा रही है कि इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों में और अवेयरनेस क्रिएट करें हम लोग अल्मोड़ा के बारे में। एंड वी गिव देम गिव एवरीवन अ प्लेटफॉर्म आल्सो टू परफॉर्म। हमारा कल्चरल हमारा एक्सपोर्ट है यहाँ पे, हमारा सर्विस सेक्टर ही हमारे जिसको प्रमोट कर सकते हैं। टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, यही हमें हमारी इकॉनमी का मेन स्टे हो सकते हैं। और हमारी कोशिश ये की जा रही है कि इसी के इन फेस्टिवल्स के माध्यम से, इन आयोजनों के माध्यम से हम मार्चुला जैसी जगह को भी वर्ल्ड मैप पे लेकर जाएं, फॉर द टूरिस्ट टू कम एंड सी एंड व्हाट ही कैन डू ओवर हियर एंड व्हाट इज़ अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो अगर मैं USP बात करूँ तो यहाँ पे एडवेंचर हमारा USP है। और अभी हम लोगों ने देखा कि इस एडवेंचर में भी आई थिंक पहली बार मैंने ऐसा देखा कि विंड योगा, वाटर योगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, नदी के ऊपर योगा करने का, तो ऐसी अनुभूति ही लेकर अगर वो टूरिस्ट जाएगा तो वो दूसरों को भी कहेगा कि आप वहाँ गए कि नहीं गए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उस एडवेंचर टूरिज्म को, जो हमारा पैरासेलिंग, हम लोगों ने जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ ट्राई की हैं, उनको एक परमानेंट प्लेटफॉर्म दे सकें। एंड जब एक अच्छी टीम मिलती है, एक मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, पब्लिक साथ में आती है, तो ऐसे आयोजनों को हम सफलतापूर्वक करा लेते हैं। देखने की